गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, मेरा नाम है सोनल शर्मा। मैं आप सभी का श्रीमती आरएस कलरिया प्राइमरी स्कूल के तरफ से स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम तीसरी कक्षा का पाठ पांचवा बागवानी पढ़ेंगे। चलो तो फिर मेरे साथ में हम शुरुआत करते हैं। पाठ पांच, बागवानी। हिया और रिया के घर के सामने एक बगीचा है। बगीचे की देखभाल माली काका करते हैं। माली काका ने बगीचे में कई सारी क्यारियाँ बना रखी है। उनमें से एक क्यारे में पालक है, दूसरी क्यारे में बैंगन एवं मिर्ची के पौधे हैं, तो तीसरी क्यारे में आलू के पौधे लगभग तैयार हो चुके हैं। अब हिया और रिया, यह जो है दोनों सहेलियां हैं, इनके घर के सामने एक बगीचा है। बगीचे में माली काका काम करते हैं। अब माली काका ने वहाँ पे अलग अलग स्क्वायर बनाकर वहाँ पे जो है वह अलग अलग पेड़ पौधे उगाए हुए हैं, जैसे पालक के पौधे, बैंगन के पौधे, मिर्ची के पौधे, और एक क्यारिया में उन्होंने आलू के पौधे लगाए हुए हैं। पर आलू जो है वह लगभग तैयार हो चुके हैं, इस तरह से यहाँ पे बोला गया है। माली काका को आलू खोदकर बाल्टी में भरते हुए देखकर हिया ने हैरानी पूर्वक पूछा, माली काका, क्या आलू ज़मीन के नीचे उगता है? अब यहाँ पे हिया और रिया जो है वह माली काका के साथ साथ में ही वह काम कर रही थी और देख रही थी कि माली काका किस तरह से काम कर रहे हैं, और हिया और रिया उन्हें मदद करना चाहती थी और बागबानी सीखना चाहती थी। तो हिया जो है वह माली काका जहाँ जहाँ खुदाई कर रहे थे वहाँ वहाँ उनके साथ में खड़ी होकर देख रही थी। अचानक से माली काका ने ज़मीन की खुदाई की, ज़मीन के नीचे से यानी ज़मीन के अंदर में से आलू जो है वह निकाले, तो हिया जो है वह हैरानी पूर्वक देखने लगी और उसने पूछा भी माली काका से कि माली काका, ज़मीन के नीचे से आलू उगता है? तो माली काका ने बोला कि हाँ बिल्कुल बेटा, कि कुछ सब्जियां जो है वह पेड़ पौधों पर लगती है और कुछ सब्जियां जो है वह ज़मीन के नीचे से उगती हैं, तो कुछ ऊपर। इस तरह से हिया और माली काका के बीच बहुत देर तक बातचीत होती रही और माली काका ने बहुत कुछ समझाया, जैसे समय सर पौधों को पानी देना, फिर फर्टिलाइज़र यानि जो उसका खत वगैरह होता है वो भी उन्हें पेड़ पौधों को समय सर देना, सूर्य प्रकाश भी मिलना चाहिए। इससे क्या होता है कि पेड़ों में जो बहार है और पौधों में वह सही समय पर सही अच्छे से आएगा और सब्जियां जो है वह भी ख़राब नहीं होगी। उनकी देखभाल हमें भी दिन रात करनी चाहिए, जैसे हम हमारे शरीर की देखभाल करते हैं उसी तरह से हमें भी पेड़ पौधों को भी ध्यान रखना चाहिए। इस दौरान रिया खुरपी से मिट्टी खोदकर गमलों में भर रही थी। इनमें माली काका ने फूलों वाले पौधों के बीज बोए और हिया ने उनमें पानी डाला। अब इस दौरान रिया जो है वह एक खुरपी लेकर आई। अब खुरपी यानी जो मिट्टी खुदाई करने का यंत्र होता है, उसने ढेर सारी मिट्टी खोदकर इकट्ठा कर ली और वहाँ पे जो गमले पड़े हुए थे खाली, उन्होंने उसके अंदर वहाँ पे मिट्टी भर दी। और माली काका ने बताया, अब रिया आपने तो मिट्टी यहाँ पे भर दी है, अब एक काम करो, इस मिट्टी के अंदर आपको पानी भी डालना है। और जैसे ही पानी वगैरह डाला तो माली काका ने बताया, अब इसमें मैं बीज बोऊंगा, पर कौन से? फूलों वाले पौधों के। माली काका ने बताया कि जिससे पौधों को पानी देते हैं उसे फुवारा कहते हैं। अब पानी जैसे पेड़ पौधों को पानी देते हैं तो हमें पाइप से वगैरह नहीं देते, हम छोटे छोटे ये जो फुवारे जैसे यंत्र मिलते हैं जिसमें एकदम छोटे छोटे छेद होते हैं और पानी की बूंदें भी एकदम हल्की सी निकलती हैं, तो जिस यंत्र से देते हैं उसे फुवारा कहते हैं। और इसी से ही पेड़ पौधों को पानी देना चाहिए, क्योंकि कोई कोई जो पौधे हैं एकदम छोटे छोटे होते हैं, उनकी पत्तियाँ भी छोटी छोटी होती है, ज़्यादा बहाव से अगर पानी देते हैं तो क्या होता है, पेड़ जो है वह बह जाता है। इसलिए हमें सावधानी पूर्वक भी पेड़ पौधों को पानी देना चाहिए। इस तरह से माली काका जो है वह रिया को समझा रहे थे। उसमें से पानी की छोटी छोटी बूंदें निकलती हैं, जिस फव्वारे से हम पानी देते हैं उसमें से पानी की छोटी छोटी बूंदें निकलती हैं। बगीचे में काम करना उसे बागबानी कहते हैं। माली काका ने समझाया कि जो बगीचे में काम करता है, बगीचे की देखभाल करता है दिन रात
और बगीचे को बहुत सुंदर तरीके से रखता है। उस जो भी काम करता है उसे क्या कहते हैं, बागबानी कहते हैं। उस दिन से हिया और रिया को बागबानी बहुत पसंद है। उसी दिन से उन्होंने देखा कि माली काका जो हैं वह बड़े चाव से सारा काम कर रहे थे, और यह सारा काम जब रिया और हिया ने देखा तो उनको भी बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने भी सोचा कि हमें भी इस तरह से करना चाहिए, और उस दिन से वह अपने खाली समय में हमेशा वह बागबानी के काम में लग जाती थी। यानी रिया और हिया को बागबानी बहुत पसंद आई। अब हम पाठ में आए कठिन शब्द पढ़ लेते हैं। कठिन शब्द, बगीचा, माली, पालक, क्यारिया, मिर्च, बैंगन, आलू, बाल्टी, पौधे, बीज, बागबानी, गमलों, पानी, फूल, ज़मीन। अब देखो बच्चों, मैं यहाँ पे समझा रही हूँ, बगीचा जहाँ पे पेड़ पौधे और फूल उगाए जाते हैं उसे बगीचा कहते हैं। माली जो बगीचे की देखभाल करते हैं उन्हें माली कहते हैं। पालक, यह एक सब्जी है हरे रंग की जो हम खाते हैं। कैरिया, जिसमें पेड़ पौधे उगाए जाते हैं, गोल अथवा चौकन किया जाता है, जिसमें कैरिया जो है वह ज़मीन का एक किनारा लगाकर बीचों बीच में पेड़ पौधे उगाए जाते हैं। मिर्च, अब मिर्च तो है यह तीखी होती है, ये किसके ऊपर लगती है, पौधों को ऊपर लगती है। उसी तरह से बैंगन, बैंगन का भी पौधा होता है, बैंगन भी यह सब्जी है। फिर आलू, आलू जो है यह ज़मीन के अंदर उगता है। बाल्टी, जिसमें पानी भरकर रखते हैं उसे कहते हैं बाल्टी। पौधे यानि प्लांट्स छोटे छोटे। बीज यानि सीड्स, जो फूलों के बीज होते हैं, साथ में मिर्ची, बैंगन, इनके भी बीज होते हैं जिससे पेड़ पौधे उगाए जा सकते हैं। बागबानी, जो बगीचे में काम करते हैं उन्हें बागबानी कहते हैं। गमलों, जहाँ पे छोटे छोटे फूलों के पौधे उगाए जाते हैं उसे गमले कहते हैं। गमले यानी जिसमें मिट्टी भरकर उगाया जाता है वो। उसके बाद में पानी, पानी तो यह आप सब शब्द जानते हैं, वाटर, पानी यानी जो हम पानी पीते हैं, पशु पक्षी पीते हैं, हम पेड़ों को देते हैं वह पानी। फूल, फूल यानि फ्लावर, जो पौधों पर लगते हैं वह फूल। ज़मीन, ज़मीन यानि सोइल यानि लैंड, जिस धरती पर हम खड़े हैं उसे ज़मीन कहते हैं। अब हम पाठ में आए शब्दार्थ देख लेते हैं। हैरानीपूर्वक यानि आश्चर्यपूर्वक, यानि अचानक से अगर कोई चीज़ अगर हमारे सामने आ जाती है तो हम कैसे एक से डर के ऐसे या खुशी से मारे ऐसे फूल जाते हैं, वो आश्चर्यजनक। फिर खुरपी, मिट्टी खोदने का औजार, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले पाठ समझाते हुए बताया कि नुकीला होता है और उससे मिट्टी की खुदाई की जा सकती है। बीज, बीज, बीज यानी बोए जाने वाला दाना, जो ज़मीन के अंदर बीज जो है वह बोए जाते हैं, फिर उससे जो क्या होता है वहाँ पे छोटे छोटे पौधे उगते हैं, जैसे मेथी के दाने डालो तो मेथी उगती है। फिर धनिया वगैरह यह जो है यह इसे बीज कहलाते हैं, बोए जाने वाला दाना। अब हम जो यह पाठ्य पुस्तक के अंदर प्रश्न उत्तर आए वह हम पढ़ते हैं। नंबर एक, किनके बीच बहुत देर तक बातचीत होती रही, किनके बीच बातचीत होती रही थी, हिया और माली काका के बीच बहुत देर तक बातचीत होती रही थी। रिया क्या कर रही थी, रिया क्या कर रही थी, रिया जो है वह खुरपी से मिट्टी की खुदाई कर गमलों में भर रही थी। रिया खुरपी से मिट्टी खुदाई कर वह गमलों में भर रही थी। बगीचे की देखभाल कौन करता है, बगीचे की देखभाल माली काका करते हैं। आलू कहाँ उगता है, आलू ज़मीन के नीचे उगता है। खुरपी से क्या करते हैं, खुरपी से मिट्टी की खुदाई की जाती है। खुरपी से बच्चों क्या किया जाता है, मिट्टी की खुदाई की जाती है। बागबानी किसे कहते हैं, बागबानी यानि बगीचे की देखभाल करना, इसे बागबानी कहते हैं। अब हमारे पाठ्य पुस्तक के अंदर यहाँ पे प्रश्न 3 दिया हुआ है, पहचान कर लिखो। अब यहाँ पे अलग अलग वस्तुएं दी हुई है और उनका चित्र दिया हुआ है, जैसे बाल्टी,
खुरपी, गमला, अंकुर, पौधा और फुवारा। अब इनके नाम यहाँ पे लिखे हुए और उन चित्रों को पहचानकर उनके नाम हमें लिखना है। गमला, पौधा, अंकुर, खुरपी, बाल्टी, फुवारा। अब बाल्टी का चित्र है, उसके नीचे बाल्टी का हमें क्या करना है, स्पेलिंग यानी उसका शब्द लिखना है। बाल्टी के चित्र के नीचे बाल्टी का शब्द लिखना है। उसी तरह से नंबर दो पर खुरपी, तो यहाँ पे खुरपी का चित्र दिया है, तो यहाँ पे खुरपी का शब्द दिया है, तो यहाँ पे खुरपी के चित्र के नीचे खुरपी का शब्द लिखना है। फिर आया गमला, फिर यहाँ पे गमले के नीचे गमला जो है दिया है, उसके नीचे गमला यह शब्द लिखना है। फिर अंकुर, यहाँ पे देखो एक छोटा सा जो सीड्स जो है वह सोइल के अंदर डाला हुआ है, फिर उसमें से ग्रोन अप करके छोटा सा यहाँ पे पौधा निकला हुआ है, तो उसे क्या बोला गया है, अंकुर बोला गया है। अंकुर यानी अंकुरित होना। फिर जो पानी डालने का यंत्र होता है जिसमें छोटी छोटी बूंदे पानी की बाहर निकलती है, उसे क्या कहते हैं, फुवारा, उसे क्या कहते हैं, फुवारा। फिर पौधा, यहाँ पे देखो हरे रंग का एक छोटा सा पौधा है जिसमें ढेर सारी छोटी छोटी पत्तियाँ हैं, उसके नीचे हमें कौन सा शब्द लिखना है, पौधा। अब हमारा प्रश्न चौथा है, सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स हमें फिलअप करना है, और यहाँ पे हेल्प बॉक्स में कौन कौन से शब्द दिए, गमलो, कैरिया, बागबानी, मिर्च। गमलो, कैरिया, बागबानी, मिर्च। यहाँ पे नंबर क में माली काका ने बगीचे में कैरिया बनाई, माली काका ने बगीचे में क्या बनाई, कैरिया बनाई। नंबर ख, दूसरी कैरिया में बैंगन और मिर्ची के पौधे हैं, दूसरी कैरिया में बैंगन और मिर्ची के पौधे हैं। हिया और रिया को बागबानी पसंद है, हिया और रिया को क्या पसंद होने लगा, बागबानी। नंबर घ, पौधे गमलों में लगाए जाते हैं, पौधे गमलों में लगाए जाते हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न दिया है, प्रश्न का नाम है हंसते गाते। यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है, चित्र के अंदर देखो यहाँ पे दो पेड़ है, एक आम का पेड़ है और एक इमली का पेड़ है। पेड़ के ऊपर यहाँ पे एक बंदर बैठा हुआ है, और पेड़ के नीचे यहाँ पे एक गिलहरी है, और पेड़ के सामने यहाँ पे थोड़ी सी घास सूखी हुई है, थोड़ी सी हरियाली वाली घास है, और घास के बीचों बीच में यहाँ पे बिल्ली जो है वह चूहे को पकड़ रही है, और पेड़ के नीचे एक दादी और उनकी साथ में उनकी गुड़िया भी वहाँ पे खड़ी हुई है। बाल मित्रों, हमारे पाठ्यपुस्तक के अंदर प्रश्न 3 में दिया हुआ है, रंगीन कागज़ के टुकड़ों से सजाकर यहाँ पे चित्र बनाओ। अब यहाँ पे एक गमला दिया है, गमले के अंदर यहाँ पे देखो एक छोटा सा पौधा उगा है, पौधे में जो है यहाँ पे साथ साथ में फूल भी उगे हुए हैं, कुछ पत्तियाँ भी हैं, तो इनमें आपको अलग अलग रंगों से यहाँ पे कागज़ जो है, अलग अलग जो रंगीन कलर के कागज़ होते हैं ना, उन्हें काटकर या फिर अथवा आपके पास जो पेंसिल कलर्स है उसे आप रंग भरकर यह चित्र जो है वह पूर्ण कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे जो गमला दिया हुआ है, गमले में भी आपको यहाँ पे चित्र जो है यहाँ पे बनाना है, यानी गमले को भी यहाँ पे रंग वगैरह भरना है, और अपने से छोटे से ही इस पौधों को अपना आपको मन चाहे आप अपना नाम दे सकते हो, क्योंकि हमें जो है पेड़ पौधे उगाने चाहिए। अगर हम पेड़ पौधे उगाएंगे तो ही हमारा जीवन जो है वह रहेगा, क्योंकि पेड़ जो है वह हमें ऑक्सीजन देते हैं, उसके सहारे ही आज हम जी रहे हैं। पूरे सृष्टि पर जो है यह जीवन चक्र जो है पेड़ के द्वारा चल रहा है, तो कम से कम हमारे घर के अंदर हमें एक छोटे से गमले के अंदर एक छोटा सा पौधा तो लगाना चाहिए। यहाँ पे एक छोटा सा गमला दिया है, और गमले के अंदर यहाँ पे जो है वह फूल और पत्तियाँ दी हुई हैं, जिस तरह से मैंने बताया आपको भी इस तरह से यहाँ पे पूर्ण करना है चित्र में रंग भरकर। यहाँ पे कुछ ऐसे वाक्य दिए हैं, और यहाँ पे रिक्त स्थानों की हमें चित्र देकर यहाँ पे पूर्ति करना है।
तो चलो तो फिर हम रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं चित्र को देखकर। झाड़ी के पीछे कौन है? बिल्ली है। झाड़ी के पीछे कौन है? बिल्ली है। उसके आगे कौन भाग रहा है? चूहा। उसके आगे कौन भाग रहा है? चूहा। पेड़ के ऊपर कौन बैठा हुआ है? बंदर। पेड़ के ऊपर कौन बैठा हुआ है? बंदर। नीचे गिलहरी बैठी है। नीचे गिलहरी बैठी है। यह इमली कच्ची है। अब देखो पेड़ के ऊपर वहाँ पे इमली लगी हुई है, तो इमली कैसी है? कच्ची है, हरे रंग की है, यानी वह कच्ची है। यह आम पका है। अब पेड़ के ऊपर वहाँ पे देखो आम का भी चित्र दिया हुआ है, और आम कैसा हुआ है? पका हुआ है। आम का रंग देखो वहाँ पे केसरिया रंग वहाँ पे दिख रहा है, ऑरेंज कलर में वहाँ पे दिख रहा है, यानी आम जो है वह पेड़ के ऊपर पूरी तरह से पका हुआ है। हिया के बाल काले हैं। यहाँ पे यहाँ छोटी सी लड़की है, इसका नाम क्या है? हिया। हिया के बाल कैसे हैं? काले हैं। और दादी की साड़ी कैसी है? सफ़ेद। दादी ने क्या पहना है? सफ़ेद रंग की क्या पहनी है? साड़ी पहनी है। साड़ी का रंग कौन सा है? सफ़ेद है। देखो टमाटर लाल लाल है। अब हिया जो है वह अपने हाथ के अंदर, हाथों में एक टोकरी लिए खड़ी है। टोकरी के अंदर देखो वहाँ पे टमाटर और नींबू है, और टमाटर का रंग कौन सा है? लाल लाल, और ये नींबू पीले हैं। अब यहाँ पे कुछ नींबू भी दिए हुए हैं, और नींबू का रंग कैसा है? पीला पीला रंग है। बच्चों इसे क्या कहते हैं? चित्र पठन कहते हैं। चित्र को देखकर यहाँ पे हमें प्रश्न का, कई बार प्रश्न के उत्तर भी पूछे जाते हैं, कई बार रिक्त स्थान भी पूछी जाती है। आपको भी इसी तरह से यह रिक्त स्थान पूर्ण करना है। फिर चित्र देखकर बताओ। अब देखो फिर से यहाँ पे दूसरी एक्सरसाइज दी हुई है कि चित्र देखकर यहाँ पे प्रश्न के उत्तर हमें देना है। अब देखो चित्र के अंदर यहाँ पे गमला दिया है, डंडा दिया है, हाथी भैया का भी चित्र दिया हुआ है, साथ में एक इंसान यानी एक छोटा सा लड़का भी वहाँ पे दिया हुआ है। फिर पेड़ है, पेड़ जो है यहाँ पे लगा हुआ है, और पेड़ के ऊपर यहाँ पे एक रस्सी जो है वह लपेट कर रखी हुई है, और चित्र को देखकर हमें प्रश्न के उत्तर यहाँ पे लिखना है। नंबर क, कौन मोटा है? यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन मोटा है, इस तरह से प्रश्न पूछा है। इसका उत्तर है हाथी जो है यह मोटा है। इस चित्र के अंदर कौन मोटा है? हाथी मोटा है। कौन पतला है? यहाँ पे एकदम सा छोटा सा दुबला सा कौन खड़ा है? छोटा सा बालक खड़ा है, जिसे हम इंसान भी यह हमारे उत्तर में लिख सकते हैं, और ब्रैकेट में आपको लड़का लिखना है। पतला कौन है? इंसान। क्या सीधा है? अब देखो जहाँ पे हाथी जी खड़े हैं उनके सूंड के नीचे एग्जैक्ट ज़मीन के ऊपर यहाँ पे एक डंडा गिरा हुआ है, तो क्या सीधा है? डंडा एकदम आड़ा टेढ़ा नहीं होता है, एकदम जैसे हमारी स्केल एकदम सीधी होती है ना, अगर हमें स्केल से अगर लकीर अगर खींचनी है तो हम क्या करते हैं, स्केल की सहायता से हम लकीर वगैरह खींचते हैं कि हमारी आड़ी टेढ़ी न जाए। तो डंडा कैसा है? सीधा है। तो डंडा कैसा है? सीधा है। क्या टेढ़ा है? टेढ़ा क्या है? अब यहाँ पे देखो एक पेड़ दिया हुआ है, पेड़ की डालियाँ कभी सीधी उगती है क्या? नहीं, आड़ी टेढ़ी होती है। तो यहाँ पे उत्तर में क्या आएगा? पेड़। सबसे यहाँ पे टेढ़ा क्या है? पेड़। अब बड़ा क्या है? अब देखो पहला प्रश्न में क्या पूछा है कि मोटा क्या है? मोटा कौन था? हाथी जी था। अब यहाँ पे बड़ा क्या है? हाथी है। बड़ा क्या है यहाँ पे? हाथी है। अब यहाँ पे सबसे छोटा, अब छोटा क्या है? अब सबसे छोटा है गमला। अब गमले के अंदर क्या लगा हुआ है? गमले के अंदर क्या लगाते? पौधा। गमले के अंदर क्या लगाते? पौधा, यानी छोटा क्या है? पौधा। फिर से ये मैं प्रश्न पढ़ लेती हूँ। कौन मोटा है? हाथी जी मोटे हैं। कौन पतला है? इंसान पतला है। क्या सीधा है? सीधा डंडा है। क्या टेढ़ा है? पेड़ टेढ़ा है। क्या बड़ा है? हाथी बड़ा है।
क्या छोटा है? छोटा पौधा है। आई बात समझ में बच्चों? आपको भी इसी तरह से पाठ का वाचन करना है और पाठ भी पढ़ना है। फिर से हम एक बार पाठ ध्यान से पढ़ लेते हैं। हिया और रिया के घर के सामने एक बगीचा है। बगीचे की देखभाल माली काका करते हैं। माली काका ने बगीचे में कई क्यारियाँ बना रखी है। उनमें से एक क्यारी में पालक है और दूसरी क्यारी में बैंगन एवं मिर्ची के पौधे हैं, तो तीसरी क्यारी में आलू के पौधे हैं। लगभग तैयार हो चुके हैं। माली काका को आलू खोदकर बाल्टी में भरते हुए देखकर हिया हैरानी पूर्वक पूछा, माली काका, क्या आलू ज़मीन के नीचे उगता है? माली काका ने बताया, बिल्कुल, कुछ फल सब्जियां ज़मीन के नीचे उगता है तो कुछ ऊपर। इस तरह से हिया और माली काका के बीच बहुत देर तक बातचीत होती रही। इस दौरान रिया खुरपी से मिट्टी खोदकर गमलों में भर रही थी। इनमें माली काका ने फूलों वाले पौधों के बीज बोए और हिया ने उनमें पानी डाला। माली काका ने बताया कि जिससे पौधों को पानी देते हैं उसे फुवारा कहते हैं। उसमें पानी की छोटी छोटी बूंदें निकलती है। बगीचे में काम करना यानी बागबानी कहलाता है। उस दिन से हिया और रिया को बागबानी बहुत पसंद थी। इस तरह से ही बच्चों आपको पाठ का वाचन करना है। चलो तो हम फिर से मिलते हैं नए पाठ के साथ में।